गाइज एसके मोटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास है TVS की तरफ से अपाची RR310 और अभी के टाइम पे काफ़ी हॉट टॉपिक बनी हुई है क्योंकि अभी रिसेंटली BMW की G310 RR रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो इसी का जो डायरेक्ट कंपटीटर है आप इसी को कह सकते हैं, और कंपटीटर या कहें या फिर सेम बाइक कहें, दोनों बाइक दोनों ही सेम है क्योंकि अगर आप TVS की RR310 देखें या फिर BMW की G310 RR, दोनों का लुक वाइज सब एक्सपेक्ट आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है। हालांकि छोटे मोटे माइनर चेंज है जो आपको शायद ही पता चलेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, क्या आपको इसमें स्पेक्स देखने को मिलते हैं और क्या आप अगर BMW G310 RR लेने सोच रहे हैं तो क्या ये बाइक वर्थ इट है उसके मुकाबले, तो चल जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइज मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं SK मोटर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं क्या है इसमें कुछ खास। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की, तो लुक आप देख सकते हैं कितनी लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका लुक है। काफ़ी आपको ब्रॉड और काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलता है और लुक इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसका फ्रंट लुक देखिए या फिर आप इसका कहीं से भी लुक देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग देखने को लगेगा, और इसका जो लुक है आपको कोई भी 600 सीरीज कैटेगरी से आपको कम देखने को नहीं लगता है। हालांकि इसमें कहीं जो सबका पर्सनल चॉइस होता है, तो मुझे ये बात किया जाए तो मुझे काफ़ी पर्सनल इसका लुक बहुत बेहतरीन लगता है। और इसका लुक वही देख सकते हैं, इसका साइड लुक देख सकते हैं कुछ इस टाइप का साइड लुक है। अगर इसका टेल सेक्शन होता है तो टेल सेक्शन काफ़ी ज़्यादा शार्प है इसका। देखिए मैं इसको आप एक बार ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरह की दिखती है। तो देखिए कुछ इस तरह का इसका टेल सेक्शन है, काफ़ी खतरनाक लगता है यार। काफ़ी अच्छी लगती है इसका लुक अगर देखा जाएगा, आपको डिटेलिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपको चेसिस रेड कलर का देखने को मिलता है और बाकी जो हाफ चेसिस है इसको ब्लैक कलर के टोन में दिया हुआ है। और मुझे अगर बात की एक इसमें कमी लगती है, इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, भद्दा टाइप का लगता है यार। सब चीज़ बाइक काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन ये एग्जॉस्ट मुझे मतलब सबसे बेकार इसके मतलब जो बाइक का पूरा लुक ख़राब कर देती है। हालांकि इसको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट दूसरे लगाकर चेंज कर सकते हैं, तो खैर वो सेकेंडरी बात है। तो अब बात करते हैं इसके मीटर की, तो मीटर में काफ़ी अच्छे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। और जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ तो TVS रेसिंग करके इसमें आता है, और अभी देखिए यहाँ कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी ट्रैक मोड पे है तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो यहाँ से अगर आप यहाँ नेविगेशन बटन दिया हुआ है इसके थ्रू आप राइडिंग मोड ट्रिप मीटर मतलब यहाँ से आपको टोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1000 देखने को मिलता है जो ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता है, तो कुछ इस टाइप का 1000 देखने को मिलता है। तो हालांकि इसको इग्नोर कीजिएगा, मेरे फ्रेंड का एक है पता नहीं कैसे टूट गया है। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 312 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है जो पावर प्रोड्यूस करता है एवरेज आपको 34 bhp का पावर और 28 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो अगर देखा जाए BMW की G310 RR से तो एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है क्योंकि उसमें भी आपको सेम इंजन देखने को मिलता है। बस यहाँ पे आपको TVS रेसिंग की जगह आपको BMW का लोगो देखने को मिल जाता है। इसके एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ किस तरह के इसके एग्जॉस्ट नोट है। तो सबसे पहले करते हैं ऑन, तो यहाँ पे अभी न्यूटन है तो ऑन करते हैं। तो कुछ इस टाइप का इसका एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट नोट आप कुछ सुन सकते हैं कुछ इस टाइप का है। अगर इसको रेव करते हैं तो एग्जॉस्ट नोट काफ़ी आपको बेसिक देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लाउड है इसका एग्जॉस्ट नोट, लेकिन काफ़ी पंची आपको एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर में आपको 150 cc का टायर देखने को मिल जाता है, और वही अगर आगे फ्रंट में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको मिशलिन का टायर देखने को मिलता है आगे पीछे दोनों में, और फ्रंट में 110/70 cc का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। तो टायर प्रोफाइल के बारे में बात किया तो टायर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी दिया गया। तो गाइस जो ऊपर चीज था जो मैंने इसको आपको बता दिया, और अब थोड़ा चलते थोड़ा GoPro पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि कैसी है भागती है और क्या है इसका कुछ खास। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग RR310 पे, और नॉइज का आवाज का तो काफी दिक्कत होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी हम लोग के पास माइक का कोई सेटअप नहीं है, तो आके देखते हैं और कैसा इसका रिस्पॉन्स है, चलाते चलाते बात करते हैं। तो अभी लगी हुई है ट्रैक पे, दौड़ाते हैं वन गियर में। तो
बहुत अच्छी, इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है जैसे होता है, इसके एक बार 0 to 100 चेक करेंगे। अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग देखा कुछ फर्स्ट गेट सेकंड गेट थर्ड गेट चैलेंज, तो अभी हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा नहीं कितने गए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था चलते मैंने फोर ही गेट तक इसको ज़्यादातर भगाया, फिफ्थ गेट भी शायद गई थी जहाँ तक तो मुझे पता है। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल बना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गाइज हैव अ नाइस डे।